हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजविंद, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से इटावा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। तो जो आप मेरिट लिस्ट की वेट कर रहे हैं, यानी मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं आप, तो अभी मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कई दिनों, तो आज सुबह में कई लोग कमेंट्स किए हुए हैं कि सर क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो कई भी हमारे पास लिंक भी शेयर किया कई लोगों ने कि ये क्या है सर, तो वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। जो भी लिंक है वो आपको मैं बता दूँ कि जो आपका जो आपने हमें लिंक शेयर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका सारा कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। और भी जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो मेरिट लिस्ट की डेट है, एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात करूंगा, मैं आगे और भी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो बने रहना हमारे वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में भी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको सबसे पहले हम बता दें कि जो बायोमेट्रिक, देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए आया हुआ, यानी कि अभी अब जो थे ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, तो आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। देखिए आपकी मेरिट लिस्ट तभी आएगी, यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब आपकी 19 बैच का जो आपके सीनियर्स हैं वो उनका जब एडमिशन, यानी कि उनका जो एग्ज़ाम हो जाएगा तभी आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, अन्यथा आपकी मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है। आपका एग्जाम, आपकी मेरिट लिस्ट तभी होगी जब एग्ज़ाम होगा, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के में तो मेरिट लिस्ट नहीं आनी है, ये समझ लीजिए। अप्रैल मई या मई जून तक मेरिट लिस्ट आएगी, या मई में आएगी या तो जून में आएगी, हो सकता है मई में मेरिट लिस्ट आ जाए क्योंकि जून या जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, तो उसके एक महीना पहले मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट से क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम, आपके जो एडमिशन्स होंगे वो एक मंथ लग ही जाते हैं, तो एक मंथ पहले होंगे क्योंकि 19 बैच का भी एक्सरे एलटी वालों का जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम की वजह से रुका हुआ है। आप लोग परेशान मत होइए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप लोगों का एडमिशन होना है क्योंकि अभी और मौका मिलेगा, जितना लेट हो रहा होता जा रहा है वो आपको अच्छा मौका मिलता जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, एडमिशन भी, और हो सकता है मेरिट लिस्ट भी डाउन होता जाए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं एडमिशन कहीं ना कहीं ले लेते हैं, या फिर वो ध्यान नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं, सोचते हैं छोड़ो पता नहीं कब मेरिट लिस्ट आएगी, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मेरिट लिस्ट कम हो जाती है। तो आप परेशान मत होइए, बने रहिए हमारे चैनल पे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। और एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया हुआ है, जो कि अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं या फार्मेसी करना चाहते हैं या लेबोरेटरी टेक्नीशियन या BMLT या BRRT करना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन मैंने रिलीज कर दिया। अभी मैंने एक वीडियो रिलीज किया है, उसमें सारी जानकारी दिया हुआ है, तो फॉर्म फिल कर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। तो ये आज का इन्फॉर्मेशन कैसा रहा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई डाउट्स है तो हमें इंस्टाग्राम पर जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें, हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आज का वीडियो।